कासगंज में 12 दिन पहले अपहरण किए गए छात्र को फिरौती देने के बाद मुक्त करवा लिया गया है। इस दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ भी हो गई। पुलिस ने फिरौती की रकम के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में एक सिपाही घायल हुआ। हसनपुर के रहने वाले इशाक के 11 साल के बेटे रेहान सहवार स्कूल में पढ़कर अपने छोटे भाई के साथ लौट रहा था। कुछ बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। इंटेलिजेंस टीमों को खुलासे के लिए लगाया गया। रविवार को देर रात शाम सर्विलांस के जरिए मिले साक्ष्यों के आधार पर बदमाशों का पीछा करके उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई। पुलिस और बदमाशों में इस दौरान मुठभेड़ भी हुई। मुठभेड़ के दौरान सिपाही मानवेंद्र सिंह को पेट में गोली लगी है। बरेली के अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। किसी के घर में रखा था, खेतों में भी रखा था क्या? आसपास तुम्हारे घर थे? दूर थे। अच्छा, फिर आप कैसे छूटे? फिर उनने फोन किया था, वहाँ पर आ जाओ, ईग के खेतों में, वहाँ पर बुलाया। जब तो 2 दिन हो गए वहाँ रुके, तभी फोन किया रात में आ जाओ, तभी आ गए थे। तभी गाड़ी में बैठ कर चले। ये दोनों भाई फैजान और ये रिहान स्कूल जा रहे थे सुबह, तो पिथनपुर की तरफ फिर इसके गांव हसनपुर की तरफ एक बिलोरो कार आई, तो ये बैठा नहीं तो फिर इसे बिठा लिया। छुड़ाया गया ऐसी गुप्त तरह से सूचना मिली कि आपका बेटा वो क्या नाम भांजा कि उधर मिल जाएगा। बोला था कि मिल जाएगा, तो हम 8 बजे से वहाँ से हमने 12 और 1 बजे तक चक्कर कई बार लगाए, तो ये मुझे रोड पर ही खड़ा हुआ मिला मंदिर के पास।